grab everything. Hey guys, what's up? What's going on? It's your boy Sid Zer, babe. So friends, अभी मैं बहुत दिनों के बाद मैं रनिंग के लिए निकला हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो कि पूरा रास्ता खाली है बिकॉज मॉर्निंग का टाइम है. और मैं गाइस बताना चाहूँगा कि जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो गाइस अनसब्सक्राइब बंदों ने बहुत ज़्यादा वीडियो देखा है, तो प्लीज़ जा करके इसको सब्सक्राइब कर दो नीचे जा करके. और तो चलते हैं गाइस हम लोग रनिंग. मैं आपको थोड़ी देर में जहाँ पर उजाला हो जाता है पूरी तरीके से वहाँ पर मिलूँगा. फिलहाल आप व्यू देखिए और इन्जॉय करिए. अभी मॉर्निंग का टाइम है और हम लोग वॉकिंग के लिए आ रखे हैं. मॉर्निंग वॉक ले लो आप या तो आप जॉगिंग कह लो, बट इतने दिनों के बाद आ करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा. और अगर मैं आपको सनराइज़ का व्यू दिखाऊं तो वो बहुत उधर के साइड है, मेरे को जाना पड़ेगा. तो चलते हैं. यहाँ से आपको सनराइज़ का व्यू मैं दिखाता हूँ. अभी मैं नीचे के लिए जा रहा हूँ और जैसा कि आप देख ही सकते हो नीचे अभी पूरा ढलान है वहाँ पर नीचे की तरफ. तो हम यहाँ से अभी जाएंगे नीचे, तो मैं यहाँ से अब घर जाऊँगा डायरेक्ट बिकॉज मैं आया था रनिंग के लिए और रनिंग मेरी हो गई है. तकरीबन 5 किलोमीटर्स में भागा. फर्स्ट डे के लिए इतना काफ़ी है गाइस बिकॉज इतने दिनों के बाद मैं रनिंग किया और रनिंग करके गाइस मेरे को बहुत ही अच्छा लगा. और जो सनसेट देखा था मैंने वो तो डूड किलर था और बहुत ही प्यारा लगा. डूड एक होता है ना कि दिल में अच्छा लगता है और स्पार्क दिखता है, वो एक तो वही स्पार्क दिख रहा था हम लोगों को, सिर्फ मुझे. वैसे तो मैं अकेला ही हूँ, अपने साथ अपनी कंपनी एंजॉय कर रहा हूँ फिलहाल तो, बिकॉज मेरे घर के पास आसपास कोई भी नहीं है. तो मैंने सोचा कि चलो खुद ही चलते हैं और इन्जॉय करते हैं इस मोमेंट को. तो हम लोग चलते हैं और अब नीचे की तरफ मैं जा रहा हूँ. फिलहाल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रॉक्स है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा देख करके नीचे जा रहा, अदरवाइज मैं कैमरा में ही देखता. तो हम चढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ का भी व्यू, देखते हैं थोड़ा इन्जॉय करते हैं. अगर अभी हम लोग आ ही रखे हैं तो मोमेंट को फुल इन्जॉय करके ही जाते हैं. तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा और इन्जॉय किया जाए इस मोमेंट को. और रियली डोंट, चढ़ने में फट रही है मेरी इतने दिनों के बाद. ओ इट्स टफ मैन. ओ डियर इट्स रियली हार्ड. तो चलो फिर ऊपर चल करके आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ कि कैसा रहता है. ट्रूली बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रखा, थक चुका हूँ मैं हद से ज़्यादा. पता ही चल रहा होगा आपको मैं इतना ज़्यादा सांस ले रहा तो. ओह रियली यार बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ. ओह मैन कुछ करना चाहिए था, वर्कआउट करते रहना चाहिए था, अदरवाइज मैंने छोड़ दिया था इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, बट वे फिलहाल सही है. मैन यहाँ से अभी रास्ते कहाँ जाते हैं, शायद हम लोग फंस चुके हैं. तो यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा फिलहाल बिकॉज मेरे को मालूम नहीं है. और गाइस जैसे कि आप देख ही सकते हो सनराइज़ वहाँ का बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, हद से ज़्यादा. तो चलो चलते हैं अब नीचे. ये देखो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ से भी रास्ता है क्या? चलो फिर यहीं से चलते हैं. ओह मैन
से तो फेंसिंग लगा रखा, बट कोई नहीं, जैसे आप देख ही सकते हो व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा डूड है व्यू यहाँ का गाइस। तो मैं यहाँ से अब नीचे चलता हूँ, घर ही चलते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा और आज के लिए इतना काफ़ी है, फर्स्ट डे था तो इतना काफ़ी है। और अभी तो खैर लोग भी आना स्टार्ट हो गए तो हमें अपने प्रिकॉशंस देखने पड़ेंगे, बिकॉज कोरोना का भी डर हो सकता है। तो इसमें वैसे सांस लिया भी नहीं जा रहा था, सही बोलूँ तो मैं तो गाइस, जैसे कि आप देख ही रहे हो अभी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ की, तो अगर थोड़ा सा भी पाँव फिसला तो मैं नीचे गिर सकता हूँ, तो थोड़ा ध्यान से ही चलना पड़ेगा, अपने आप को सावधान रखे, सावधान इंडिया देखिएगा इसे फिलहाल तो ओके ओ मैन ओ ये पत्थर, एंकल ट्विस्ट होने का डर है इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ, अदरवाइज रनिंग करते हम लोग। ओ ये क्या यहाँ से जंप लगाना चाहिए गाइस, क्या यहाँ से जंप लगाना चाहिए ओ मैन ओ बॉय, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं भटक चुका हूँ रास्ते के बीचों बीच, इन पहाड़ियों की वादियों में मैं भटक चुका हूँ। अगर मैं घर नहीं गया अभी इतना जल्दी तो क्या पता मेरी घर पे सुताई हो जाए, तो मैं चलना पड़ेगा। क्या लगता है फ्रेंड्स, हमें अभी इस मोमेंट को इंजॉय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कॉमेंट में ज़रूर बताना गाइज, और प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लग रहा, मेरे हाथ दर्द हो चुके रिकॉर्ड करते करते, तो प्लीज़ मैं कहता लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जितना हो सके, प्लीज़ गाइज इसको 1000 सब्सक्राइबर से अबव सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज बहुत ही जल्दी ग्रो होना चाहिए चैनल गाइज, और आपके दुआओं के ऊपर है ये, तो सही बोल रहा मैं। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा घर, मैं थक चुका हूँ, पसीने आ रहे मेरे को, घर जा कर एक अच्छा सा शावर लूँगा, शावर के बाद थोड़ा अपनी डाइट को फॉलो करेंगे, ओट्स के साथ मैं मॉर्निंग का स्टार्ट करूँगा, ओट्स मिल्क और उसमें थोड़े ऐड करूँगा मैं बनाना अगर हो सके तो ओ मैन ये पीछे आप देख ही सकते हो, थोड़ा सूरज की रोशनी आ रही है, बूढ़ उड़ बहुत ही प्यारी लग रही। ओके डूड वहाँ पर डॉग्स है, काटेंगे तो नहीं मेरे को, मेरी तो फट के चार हो रही यार, मैं यहाँ से जाऊँगा अभी इस वाले रास्ते से, बिकॉज जंगल में डॉग का भरोसा नहीं करना चाहिए। और डूड ये वाला रास्ता कौन सा है, वो ये देख सकते हो आप, इतनी बड़ी बड़ी घासें हैं यहाँ पर। ओ मैन मैं आपको बाद में मिलता हूँ फिर। सो गाइस क्या मैं अभी सही रास्ते पे जा रहा, बिकॉज मेरे को खुद नहीं मालूम कि अभी मैं कहाँ जा रहा, रास्ता मेरे को याद नहीं है और यहाँ से मैं आया भी नहीं था, तो एक नए रास्ते को मैंने खोज निकाला है। यहाँ पर हमारे सामने गाइस छोटी सी तालाब है, नदी जो भी कह लो इसको, पर कीचड़ कीचड़ हो रखा, पर आई डोंट नो क्या करूँ अभी यहाँ से, ये ले गाइस यहाँ से नहीं आना चाहिए था मेरे को। तो गाइस मैं शायद पहुँचने वाला हूँ, बट अभी भी बहुत दूर है तो मेरे को बहुत टाइम लग रहा है यहाँ पर यार, मैं तो सोच रहा काश उसी रास्ते से निकल जाता, बट मेरे को वो रास्ता मिल नहीं रहा था। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो यहाँ पर कीचड़ भी बहुत हो रखा है यार, बारिश के कारण ना पूरा रास्ता ख़राब हो रखा, कहीं फिसल ना जाऊँ इसका डर है। और मेरा अब तो स्टमक पेन हो रहा है गाइस, बिकॉज इतना रनिंग नहीं करना चाहिए था मेरे को स्टार्टिंग के डेज में, अभी मेरा फर्स्ट डे ही था तो स्टमक पेन होने लगा मेरे को, और घर जा कर के रेस्ट लेना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, वर्कआउट मैं शाम को करूँगा, वर्कआउट मैं नॉर्मल सिंपल रखूँगा उस वर्कआउट को जितना हो सके, फिलहाल तो कीचड़ों से बचना है मेरे को। ओह मैन हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं अपने सोसाइटी के पास, तो सोसाइटी के पास जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नीचे है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना गाइस, और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए ताकि हमारी फैमिली ग्रो हो।